नमस्कार, मैं संदीप बिश्नोई एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेके आया हूं आपके लिए आज एक गेहूं का वीडियो। अगर आपके गेहूं में फंगस के कारण गेहूं पीला उड़ रहा है, बहुत से लोगों के मैंने फेसबुक पे यूट्यूब के नीचे भी कमेंट देखे हैं और लोग फोटो अपलोड कर रहे हैं फेसबुक पे, मेरे गेहूं में पीलापन हो रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँ, इसके लिए क्या करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने एक वीडियो बना देते हैं। तो हालांकि गेहूँ पीले होने के दो तीन कारण है। पहला कारण तो मुख्य ये है कि अब जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, जमीन नमी ज़्यादा रख रही है या कम रख रही है, अचानक गर्मी या अचानक ज़्यादा ठंड होने के कारण क्या है कि फंगस की प्रॉब्लम आ रही है। तो फंगस के लिए हमें एक्जाकनोजोल प्लस कैप्टोन करेंगे। किसी भी आप कंपनी का ले सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट आप मार्केट से लेके उसका स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके साधारण बिना फंगस के कारण अगर आपकी गेहूँ पीली है, तो ये मान के चले शायद उसमें जिंक की कमी हो सकती है, क्योंकि जिस फसल में जिंक की कमी रहेगी गेहूँ में, वह भी एक पीलापन ले सकती है। तो पहले तो आप अपनी मिट्टी का जांच करवाएं कि किस प्रकार की उसमें कमी रही है, उसके हिसाब से आप जिंक का प्रयोग करें। अगर आपकी गेहूँ में फंगस की प्रॉब्लम है, तो क्या साधारणतः किसान को पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें फंगस की कारण प्रॉब्लम है या कोई और कारण पीली हो रही है गेहूँ। हम ये सोच रहे हैं साधारण पीली हो रही है या गेहूँ हमारी पकने के कार पे आ गई है या गोटे पे गेहूँ आ गई है, तो क्या है कि नीचे के पत्ते वो उसको धूप न लगने के कारण क्या है कि पीले हो जाते हैं, पर जो ऊपर के जो मुख्य पत्ते हैं वो पीले होते हैं। हम ये सोचते हैं कि नॉर्मल प्रॉब्लम होगी, पर वह नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक फंगस की प्रॉब्लम होती है। फंगस को हम किस तरह से पहचाने, क्या है कि डॉक्टर को तो हम जाके नहीं दिखा सकते, किसान को खुद को ही देखना पड़ती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसके लिए क्या समाधान है। तो अगर गेहूँ का आपकी ये जो पीलापन है, मैं ये दिखा दूँ, जैसे ये पत्ता है, अगर इस पत्ते में तांबे कलर का अगर कोई दाग होता है या बीच में से पत्ता यूँ सूख जाता है, तो जाहिर सी बात है उसमें फंगस की प्रॉब्लम है। या आप इस पत्ते को इस तरह से साफ करके देखें, साफ करोगे फिर यूँ आपकी उंगली पे अगर पीलापन या कुछ कालापन उंगली में टच हो जाता है, तो आप ये मान के चलें वो फंगस की प्रॉब्लम है। उसके लिए मेरी गेहूँ में फंगस की प्रॉब्लम आई है, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे ये पत्ते ख़त्म होने शुरू हो गए, ये देखो, ये एक पत्ता ख़त्म होना शुरू हो गया, ये साधारण पत्ता है, ये देखें, मैंने साधारण पत्ते को तोड़ा है तो बिल्कुल नीचे से टूटा है, और इसको तोड़ा तो मैंने ये ऊपर से टूट गया, यानी कि ये पत्ता डैमेज होना शुरू हो गया। इसके लिए मैं प्रयोग में ले रहा हूँ, आज कौन सी दवा प्रयोग में ले रहा हूँ मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हो। मैं एक्जाकिनाजोल प्लस कैप्टन प्रयोग में ले रहा हूँ, जो एक फफूंद नाशक दवा है, यानी कि अंतर प्रिय फफूंद नाशक, जो पौधे के ऊपर आने वाले फफूंद है उसके लिए एक्जाकिनाजोल प्लस कैप्टन का प्रयोग कर रहा हूँ। और आप अपनी फसल के अनुसार डॉक्टर से या कृषि पर्यवेक्षक से या चिकित्सक से सलाह लेके ही प्रयोग करें। अधिक जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, और जल्दी मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके हाजिर हो रहा हूँ। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान के साथ भारत माता की जय।